हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट ईवीएस ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ, चैप्टर नंबर फिफ्थ, पेज नंबर 37। डियर स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द वन बॉक्स एंड हियर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ the animals which are living in water, okay? जो पानी में रह सकते हैं ऐसे animals के हमें name लिखने हैं। So one is given for us, सबसे पहले ऊपर दिया है living in water, then after we have to given fish, okay? Fish है वो सिर्फ पानी में रहती है, तो इस तरह के दूसरे animals के हमें name लिखने जो पानी में रह सकते हैं। तो देन आफ्टर मैंने लिखा है फ्रॉग, ओके? फ्रॉग है वो पानी में रह सकता है, जिसको फ्रॉग दैट मीन्स आपको पता होगा गुजराती में हम उसको दरिंडा बोलते हैं, ओके? चलो देन आफ्टर नेक्स्ट वन टॉर्टोइज, ओके? वो भी पानी में रह सकता है। देन आफ्टर क्रोकोडाइल, दैट मीन्स मगरमच्छ। देन आफ्टर स्टारफिश, ओके? देन आफ्टर वाटर स्नेक, ऐसे बहुत सारे स्नेक है जो पानी में रह सकते हैं। देन आफ्टर डक, वो भी पानी में रह सकता है। नेक्स्ट वन हिप्पोपोटामस, ओके? वो भी पानी में रह सकता है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्रेन, ओके? उसको हम हिंदी में सारस भी कहते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट क्रेब, जिसको हम केकड़ा कहते हैं, ओके? सो बाय दिस वे हियर वी हैव टू राइट द एनिमल्स विच कैन लिव इन द वाटर, ओके? इफ यू हैव टू रिमेंबर एनी अदर एनिमल्स विच कैन लिव इन वाटर, यू कैन राइट दैट। नाउ पेज नंबर 38, पोलू सेज, ओ चिंची स्क्विरल, आर यू फाइन ओवर देयर, ओके? स्क्विरल दैट मीन्स जिसको हम गुजराती में खिसकोली कहते हैं, बोल उसको कहता है आर यू फाइन ओवर देयर, क्या आप तू वहाँ पर ठीक है? वुड यू प्लीज़ कम डाउन टू प्ले विथ मी, क्या तू ट्री पे से नीचे आ सकती है मेरे साथ खेलने के लिए? हियर यू कैन सी दैट स्क्विरल इज ऑन द ट्री। स्क्विरल से यस सर्टेनली, ओके? क्या कहती है स्क्विरल? यस मैं आ सकती हूँ। बोलू सेज कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव ऑन लैंड, क्या स्क्विरल को कहता है कि तू पेड़ पे से नीचे उतर के लैंड पे रह सकती है? स्क्विरल श्योर व्हाई नॉट, आई कैन लिव ऑन लैंड, आई मेक नेस्ट ऑन ट्री, ओके? स्क्विरल कहती है कि हाँ श्योर मैं लैंड पे रहती हूँ एंड ट्री पे मेरा नेस्ट दैट मीन्स माला, ओके? वो मैं बनाती हूँ। बोलू सेज वाओ यू आर वेरी गुड, सी मिंटू फिश टेल्स दैट इट कैन लिव इन वाटर ओनली, ओके? बोलू यहाँ पे अब उसको कहता है कि जो मिंटू फिश थी वो तो कहती थी कि वो सिर्फ पानी में रह सकती है और तू तो बहुत अच्छी है, तू तो लैंड पे भी रह सकती है और मेरे साथ खेल भी सकती है। स्क्विरल सेज इट्स ट्रू अबाउट फीस, ओके? ये फीस के लिए सही है। सी कैन ओनली लिव इन वाटर एज द वाटर इज द होम फॉर इट, ओके? क्या कहा? क्योंकि फीस है वो सिर्फ पानी में रह सकती है, उसका घर है वो पानी ही है। बोलू सेज सो कैन यू नॉट लिव इन वाटर, बोलू कहता है क्या तू है पानी में नहीं रह सकती? स्क्विरल सेज नो, बोलू आई कैन नॉट लिव इन वाटर, नहीं बोलू मैं पानी में नहीं रह सकती। वी लिव ऑन लैंड सो वी कैन नॉट ब्रीद इन वाटर, हैंस वी कैन नॉट लिव इन वाटर, ओके? हम लैंड पे रहते हैं इसलिए हम पानी में ब्रीदिंग यानी सांस नहीं ले सकते, इसलिए हम सिर्फ लैंड पे ही रह सकते हैं, पानी में नहीं रह सकते, ओके? डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस कन्वर्जेशन, ओके,
we learn about that the every animals have the some special characteristics, okay, so that they can live in water or in land. But there are many animals in the world which can live in water as well as land, okay. Lekin bahut sare aise animal hai jo land pe bhi reh sakte hain and pani mein bhi reh sakte hain. We will see in the ad, hum uske bare mein aage padhenge. But from up to this conversation we learn about that the animals have the special characteristics, okay. From that some can live in water and some can live on the land, okay.